हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल ग्राफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे पास ये टीवी है जिसमें आप देख पा रहे हैं दो ही कलर आ रहे हैं, एक कलर नहीं आ रहा। ग्रीन कलर आ रहा है और ब्लू कलर आ रहा है, लेकिन रेड कलर इसमें नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये फॉल्ट मोस्टली सीआरटी बेस के ऊपर लगे हुए ट्रांजिस्टर, जो तीन ट्रांजिस्टर उसमें लगे होते हैं, आरजीबी के ट्रांजिस्टर, ये तीनों कैथोड के लिए यूज किए गए हैं, तो उनमें फॉल्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो देखिए, सभी चैनल पे आप देख पा रहे हैं दो ही कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड इसमें नहीं आ रहा। तो इस सीआरटी बेस में जो तीन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इन तीनों ट्रांजिस्टरों में से जो रेड कैथोड के लिए जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, उसके खराब होने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो तीनों ट्रांजिस्टर की जो वोल्टेज होती है सेम होती है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। जो भी कलर चेंज होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका वोल्टेज भी कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं रहता है। तो चलिए, इनके वोल्टेज हम चेक करके देखते हैं। ये तीन ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और कलर के फॉल्ट को रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि तीनों ट्रांजिस्टरों की वोल्टेज को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। तो इस कैथोड पे आप देखिए 137 वोल्ट आ रहा है, और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी 132 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर भी 137.6 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पर सेम वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रेड कलर नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम बड़ी देखने वाली है। ये देखिए, वोल्टेज सही आ रहे हैं, तो मतलब ट्रांजिस्टर सही है, उसके बाद भी रेड कलर नहीं आ रहा है, तो फॉल्ट कुछ और ही है। ये देखिए, वोल्टेज सब सही आ रहे हैं। इसके बेस के वोल्टेज भी हम चेक करके देखते हैं, जो कि आईसी से आते हैं 2.1 और 2.4, 2.3। तो ये वोल्टेज भी सही है, लेकिन फिर भी कलर रेड कलर जो नहीं आ रहा। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ और ही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है सीआरटी बेस से। तो ये प्रॉब्लम शायद रिमोट से हुई है। तो हम टीवी डिस्प्ले की तरफ देखते हैं, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम या तो कैथोड, जो सीआरटी में कैथोड होता है अंदर, उसके खराब होने की वजह से भी आता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में हम देखते हैं, देखिए दो ही कलर आ रहे हैं, यहाँ पर कलर सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉल्ट ये दिखाई दे रहा है, ये N44.3, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये किसी ने रिमोट से छेड़ा है, बच्चों के द्वारा या किसी के द्वारा, तो ये नहीं आना चाहिए। तो ये इसमें कलर सिस्टम जो होता है उसमें ऑटो रहना चाहिए, यहाँ पर ऑटो होना चाहिए या पाल होना चाहिए, लेकिन ये N44.3 लिखा हुआ है, तो ये इसकी वजह से कलर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये चेंज किया, ऑटो किया, तो ये कलर रेड भी आ गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी
आ जाती है। ये देखिए आप, फोटो करते ही रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, तीनों कलर आ गए हैं। तो शायद चिल्ड्रन, बच्चों ने या किसी ने इस रिमोट से इसे छेड़छाड़ की है, तो इस वजह से इसमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो इस पर हमें ऑटो ही रखना होता है। तो ये देखिए आप, सभी कलर, ऑडियो वीडियो सब अच्छे से आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो कलर सिस्टम का जो ये होता है, इसको सही कर देना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम से नहीं आएगी, सब सही आ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना, जिससे हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।